कॉमरेडरी मैच ही है रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का, पर एग्जिस्ट को WWE खुद से टीज करने लगी गाइस। इसके बारे में वीडियो के अंदर बात करेंगे, और स्टेबलर ने भी खुद से रोमन रेंस और रॉक की ड्रीम मैच को भी कर दिया फिर एक बार टीज। और के साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट वीक के मंडे नाइट रॉक के बारे में बात करेंगे गाइस, उसके लिए भी बहुत बड़ा एक सेगमेंट हो गया ऑफिशियल। साथ ही साथ किस बात करेंगे हम फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जहां पर और भी एक हो चुकी है चीज एडवर्टाइज। सारी बातें वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बस आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, साथ से बेल आइकन दबाना मत भूलो गाइस, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करना। तो सबसे पहले बात करते हैं मंडे नाइट रॉक के बारे में। मंडे नाइट रॉक के लिए WWE ने कुछ चीजें कर दी एडवर्टाइज, और यहाँ पर सबसे पहला गाइस यहाँ पर WWE ने चैंपियनशिप मैच ऑफिशियल किया, जो कि होने वाला है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के। नाइजा और शायना बेलर फेस करेंगे यहाँ पर टमी एंड नटालिया को एक वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के मैच को, और यहाँ पर हमें रीमैच देखने को मिलेगा। जैसे हमने दो हफ्ते पहले देखा कि नाया जैक्सन शीना बेलर ने टाइटल लूज कर दी थी स्मैकडाउन के ऊपर, और यहाँ पर इसके तहत फिर दोबारा WWE को एक रीमैच दिया। पिछले हफ्ते भी रॉक अंदर दिया था, पर कहीं जो रेजिनल की मतलब जो अलेक्सा ब्लिस आई थी वापस इसके लिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर से उनको रीमैच WWE ने दिया। पर कहीं यहाँ पर से और एक सेगमेंट की बात करें तो वैसे यहाँ पर से WWE ने ऑफिशियल कर दिया एक्सेवियर वुड्स फेस करेंगे हमारे रिडल को, और कहीं यहाँ पर से इन दोनों के बीच एक सिंगल्स मैच हमको कल शो के ऊपर भी देखने को मिला। और कहीं यहाँ पर से हमारे मैट रिडल फेस करेंगे हमारे यहाँ पर से न्यू डे की मेमोरी है कि एक्सेवियर वुड्स को, देखते हैं यहाँ पर से क्या नेक्स्ट स्टोरी यहाँ पर होती है। बात करें तो हम लोग स्मैकडाउन के बारे में, जहां पर कैस WWE ने दो यहां पर दो नहीं बल्कि एक ही यहां पर से जो है बड़ा मैच ऑफिशियल कर दिया, और गाइस यहां पर से होने वाला है स्मैकडाउन जो कि टैग टीम मैच जो कि होगा उसको पहली बार फेस करेंगे स्ट्रीट प्रॉफिट्स को, और गाइस यहां पर से उसको का हमें कल शो के ऊपर मतलब नेक्स्ट फ्राइडे को ये रियूनियन देखने को मिलेगा। और गाइस जो जिमी एंड जे वो मिलकर टीम अप करके फेस करने वाले हैं हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स के मॉन्टेस वाला नहीं चलो टॉकिंग्स को, जो कि एक सिंगल्स मैच होने वाला है। जैसे कि गाइस कल जो है जे उसो ने जो है यहाँ पर से जिमी उसो ने इस मैच की मांग की थी बैक स्टेज से सोनिया डेविस से, और इसके तहत ये मैच हो गया ऑफिशियल। पर देखना पड़ेगा क्या यहाँ पर से रोमर इस मैच के अंदर कुछ रोल प्ले करती है, या फिर जे उसो आते या फिर जे उसो नहीं आते इस मैच के अंदर, और गाइस ये भी बात देखना पड़ेगा क्या होता है नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए। काफी बढ़िया हाइप WWE ने बनाई, देखते क्या होता है नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर। नेक्स्ट स्टोरी की बात करें तो नेक्स्ट स्टोरी जो इस बार पे हमारे यहाँ पर WWE के लाइव ऑडियंस रिटर्न होने के बाद रोमन रेंस बॉबी लैशली एंड उनके साथ साथ कुछ रिएक्शन के बारे में, और गाइस WWE ने पता है कि ऑफिशियल कर दिया कि 16 जुलाई से लाइव ऑडियंस आने वाली है, और गाइस 16 जुलाई को पहले स्मैकडाउन का इवेंट होने वाला है जो कि लाइव होगा, और उसके अंदर लाइव ऑडियंस हमें जो है पहली बार रिटर्न करते हुए दिखाई देगी। और गाइस यहां पर स्मैकडाउन को जो शो हेडलाइट करेगा WWE की ओर पहली बार। पर गाइस सबसे पहले गाइस हम लोग इस बात करें तो इसके बाद क्या क्या रोमन रेंस का रिएक्शन है। सबसे पहले बात करें तो गाइस यहां पर हमारे बॉबी लैशली के बारे में, बॉबी लैशली कहा डोंट मिस द चांस ही द ग्रेटेस्ट WWE चैंपियन बॉबी लैशली ऑन लाइव सन, मतलब उनका कहना है कि WWE चैंपियन को आप जो है मिस नहीं करना चाहिए, जस्ट जल्दी टिकट बुक करो। और साथ साथ बात करें हम ट्रिपल एच के बारे में, ट्रिपल एच ने कहा कि WWE अब जो उनकी पटरी गाड़ी आ चुकी है, WWE रोड पर आ चुके हैं, और गाइस जो है आर यू रेडी, उन्होंने यहां पर स्टेज है ट्रेडमार्क भी क्वेश्चन किया। और गाइस साथ ही ज्यादा बड़े रूमर रेस के तरफ तो इस रूमर रेस ने भी कहा है प्रिपेयर द अपॉर्चुनिटी टू एक्नॉलेज योर ट्रैवल जी लाइव एंड इन पर्सन। तो यहां पर से रूमर इसका मानना है कि जो है आप जब के ट्रैवल चीफ को लाइव देख सकते हो, एक्नॉलेज करते हैं सारे सुपरस्टार को, और कैसे यहाँ पर से ऐसा कुछ रोमन रेंस ने स्क्रिप्ट के जरिए हमको बता दिया। और कैसे यहाँ पर से वैसे वैसे काफ़ी बढ़िया बात है कि लाइव ऑडियंस रिटर्न आ रहे हैं, और कैसे लोग भी इसके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं। और कैसे आपको क्या लगता है लाइव ऑडियंस होने के बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती है, मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि फाइनल स्टोरी जुड़ी इस बार का हमारे रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के ड्रीम मैच कार्ड के बारे में। और कैसे WWE और फॉक्स ने जो है फिर से एक बार इस मैच को कर दिया। हाल फिलहाल में चीज़ आपको पता है रोमन रेंस के बारे में, मैं आपको बता दूं रोमन रेंस ने जो कल स्मैकडाउन के अंदर अपना जो है मतलब जैसे उन्होंने उनकी टी शर्ट पहनी थी उसके ऊपर उन्होंने एक जैकेट भी पहनी थी, जो कि गाइस आप देख पा रहे हो। और गाइस ऐसे सेम जो जैकेट हमारे रॉक ने भी पहनी थी जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो। और गाइस यहां पर से WWE फॉक्स ने यहां पर ऐसे नीचे कैप्शन में लिखा है कि सेम एनर्जी, और गाइस यहां पर से इनका यहाँ पर मानना है कि दोनों सुपरस्टार के अंदर सेम कैपेबिलिटी है, दोनों सुपरस्टार के अंदर सेम एनर्जी है, वही सेम जज्बा वगैरह उनको यहाँ पर दिख रहा है रोमन रेंस एंड द रॉक के अंदर। मतलब जो रॉक का जो वो साल का जो जज्बा था वो सारा का सारा रोमन रेंस के अंदर यहाँ पर दिख रहा है। और गाइस कहीं ना कहीं इससे जो है WWE खुद से ये ड्रीम मैच को कर दी टीज, और गाइस इसके लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म है, रेसलमेनिया से बढ़िया कोई भी हो नहीं सकता। और गाइस यहाँ पर से रोमन रेंस एंड द रॉक के लिए रेसलमेनिया से बढ़िया और कौन सा भी आई थिंक जो है बिगेस्ट स्टेज नहीं लगता। और गाइस आपको क्या लगता है रॉक अगर जुलाई के अंदर ही पहले स्मैकडाउन पर रोमन रेंस को रिटर्न करे और फिर वो चैलेंज करे रोमन रेंस को, तो इसके कैसे होगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी बस ये जो हमारी वीडियो आज की बस इट इज रियाज को आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और कहीं यहाँ पर से
आप कई सारी स्टोरी के ऊपर क्या रिएक्शन आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और गाइस बाकी बस आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक भी करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस ये आज की वीडियो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।